हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता श्रीवास्तव अर्जुन किचन ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ गाजर की बर्फी को, जो काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, चलिए इनके बनाते हैं। हमने ले लिया है 1 किलो गाजर, जिसे हमने धुल के अच्छे से वॉश कर लिया था, और इसे हम चॉपर में चॉप कर लिए हैं। आप चाहे तो मिक्सी के जार में भी इसको दरदरा आप पीस सकते हैं। अब हम चढ़ते हैं कढ़ाई की ओर। कढ़ाई हमने गर्म कर ली है। अब इसमें हम डालते हैं कुछ देसी घी, इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। इसमें हम 4 बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। और इसको अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गए हैं, और इसमें हम डालेंगे गाजर जो हमने चॉप कर लिए हैं। इस सीजन में तो गाजर का डिश बनना ही चाहिए, चाहे आप इसका हलवा बनाएं, चाहे बर्फी बनाएं। 5 मिनट के लिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे भून लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे 250 ml दूध, ये ठंडा दूध है, इसको हम इसमें ऐड करेंगे और इनको हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसको हम कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। दूध अच्छे से गाजर को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 400 ग्राम चीनी। आप मीठा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 2 कटोरी भर के चीनी, और इनको फिर से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ये पानी अभी रिलीज करेंगे चीनी, और चीनी को इसमें अच्छे से हम मेल्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें दूध हमेशा डालें तो बॉयल करके और उसे ठंडा करके ही डालें, क्योंकि उससे जो है गाजर हमारे और दूध फटते नहीं हैं। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें 7 से 8 हम हरी इलायची को कूट के डालेंगे, जो हम अभी कूट रहे हैं हरी इलायची। अब इस 7 से 8 इलायची को हमने हल्का दरदरा सा क्रश कर लेंगे, और फिर इसे हम डालेंगे इस बर्फी में। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी इलायची, जिसे हमने क्रश कर लिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है, और हमारे डाइजेशन के लिए भी छोटी इलायची बहुत ही फायदा करती है हमारे पेट के लिए। अब इनको हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 250 ग्राम मावा। मावा को भी हम क्रश कर लेंगे, और ये मेरे बनेंगे बहुत ही टेस्टी बर्फी। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे मावा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन गाजरों के साथ। मावा को अच्छे से हम गाजर में मेल्ट कर लिए हैं। अब इनको हम इतना पकाएंगे ताकि ये अच्छे से हमारी बर्फी के लिए जमने के लिए तैयार हो जाए। अब इसको हम मीडियम फ्लेम कर दिए हैं, और मीडियम फ्लेम पे इसको पका रहे हैं। बीच बीच में इसको हमें हाई भी करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा पानी है। फ्रेंड्स, इसको खोल कर हमने कम कम 30 मिनट से चलाते हुए पकाया है। अब ये देखिए, ये सूख रहे हैं, इसके वजह से जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो सब खत्म हो रहे हैं। अब इसको हम मीडियम फ्लेम कर दिए हैं, और मीडियम फ्लेम पे इसको हम चलाते हुए कम से कम अभी 7 से 8 मिनट इसको भूनेंगे, तब हमारी गाजर की बर्फी जो है बिल्कुल परफेक्ट जम जाएगी। ये देखिए, इकट्ठा हो रहा है बिल्कुल। अब हमारे जो है बर्फी जमाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, बिल्कुल इकट्ठे हो रहे हैं। अभी इस स्टेज पे हमारी बर्फी अच्छे से जम जाएगी, और गैस को करती हूँ ऑफ। और हमने ट्रे में लगा लिया है बटर पेपर, जिसे हमने उसमें ऑयल अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब इसको हम जमाते हैं बर्फी के ट्रे में। अब इसको हम ट्रे में जमाते हैं, इसमें हम बटर पेपर लगा लिए हैं। बटर पेपर फ्रेंड्स लगाने से हमारी बर्फी जो है बहुत ही इजिली सेट हो जाती है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है, तो आप ट्रे में या थाली में अच्छे से ऑयल या घी को ग्रीस कर लीजिए। अब इसको हम जमा देते हैं।
हमने बर्फी को अच्छे से सेट कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे बादाम और कुछ काजू हैं जो इससे गार्निश कर देते हैं बर्फी को। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और आएगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। हमने काजू को खड़ा खड़ा ही लगा दिया है दो भाग करके। इससे बहुत ही अच्छा इसका फ्रेंड्स बर्फी अच्छे से ट्रे में सेट हो गई है। अब ये 1 से 2 घंटा तक ये रेस्ट करेगी और उसके बाद मैं इसको बर्फी का कट करके आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स हमारी बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। अब इसको हम कट कर लेते हैं। आप अपने मन पसंद स्टाइल से आप इसको बर्फी को कट कर लीजिए। ये देखिए कितनी इजली कट रही है हमारी बर्फी और यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी आपकी बर्फी बन के तैयार है। और इस मौसम में तो आप जरूर बना के खाएं गाजर की बर्फी और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करें और हमें आप कमेंट करके बताएं कि आपको गाजर की बर्फी कैसी लगी। और देखिए बहुत इजली हमारी बर्फी बन के तैयार है और खाने में बहुत ही टेस्टी। फ्रेंड्स देखिए कितनी अच्छी बर्फी बन के एकदम जम गई है। हम ये बैक साइड से भी दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स अगर हमारा बर्फी बनाने का तरीका आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें कमेंट करिए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो इजली आप तक पहुँचे। फिर मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।